मुहर्रम और गणेश पूजा को देखते हुए पूरे गोरखपुर जोन में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। पांचवीं मुहर्रम से जुलूस निकलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी के साथ कई छोटे पंडालों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन भी शुरू हो जाता है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए ADG दावा शेरपा ने कहा कि दोनों त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ADG ने सभी पूजा आयोजकों से अपील किया कि आपसी सामंजस्य स्थापित कर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएं। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG दावा शेरपा ने कहा, सर मुहर्रम भी शुरू हो गया, गणेश पूजा भी शुरू हो गया, पांचवा दिन है, आज से जुलूस का रंग भी बदलेगा, काफी भीड़ भी होगी, इसको लेकर पूरे जोन में क्या व्यवस्था? पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कारण आज से मुहर्रम की जो पांचवी है, तो आज से व्यापक रूप में जुलूस निकलना शुरू होगा। साथ में जो गणेश चतुर्थी को गणेश जी स्थापित किए गए थे, वो अब अलग अलग, किसी का 3 दिन पूरा हो रहा है, किसी का 5 दिन पूरा हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर उनका भी कहीं कहीं विसर्जन, आज कई जगह विसर्जन, जो छोटे गणेश पंडाल के विसर्जन है जो आगे जाके 12 तारीख तक चलना है, लेकिन वो अलग किस्तों में होगा। तो विशेष सतर्कता इसलिए बरती जा रही है कि कहीं दोनों जुलूस में आपस में टकराव ना हो, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम ना हो, तो विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उनके रूट में व्यापक पुलिस प्रबंध कर दिए गए हैं ताकि सकुशल संपन्न हो। सर कुछ सुरक्षा घेरा को लेकर के चलने की बात है, या DJ प्रतिबंधित है, बड़े जानवर भी प्रतिबंधित है, इस तरह के जुलूस में इससे वो सब चीज़ें जिसके चलते आपस में मनमुटाव और वाद विवाद की बातें हैं, उनको अवॉइड कराना ठीक रहेगा। देखिए, एक तो जो धार्मिक महोत्सव होता है उसके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन या उनके अपने रीति नीति होते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करने पर फिर वो या तो हादसे या विवाद का कारण बनता है। आपको याद होगा पिछले सालों में भी बहुत ऊंचे ऊंचे ताजिया बनाने के चलते 2-3 जगह तार छू के करंट लगने की घटनाएं हुई है। तो समय के साथ, चीज़ों के साथ एडजस्ट करके अपना त्यौहार भी सकुशल निकले और किसी को असुविधा ना हो, इसकी ख्याल रखी जानी चाहिए। सर उन पूजा पंडाल संचालकों से या जो ताजिया बनाते हैं मुताबिक कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी लोगों से अनुरोध है कि आपने इतनी मेहनत करके, इतने परिश्रम से, लगन से ये सब आयोजन शुरू किया है, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि इसमें जो जो प्रक्रिया है, आप इसको सकुशल पूरा करना चाहेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयोजकों का इसलिए भी है कि कई बार पुलिस को देख के, पुलिस की बात को सुन के लोग चिढ़ने जैसे बात, और इनको क्या है ऐसे, तो आयोजक की बात सहज रूप से लोकल होते हैं, सबको जान पहचान रहता ही है, तो चाहे उत्साही लड़के हैं या इस कोई इस तरह से कुछ उपद्रव करने के चक्कर में भी होंगे, तो आयोजक बेहतर ढंग से डील कर सकते हैं। हाँ, उसमें हमारी भूमिका जो है वो तो सो तो है, लेकिन समझाने बुझाने की जो बात है वो आयोजक लोग बेहतर कर सकते हैं।